यदि बृहस्पति ग्रह आपका ठीक नहीं है तो आप क्या करें? आप जानते हैं कि जब जिंदगी में आप ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि आपको पछताना पड़ता हो, लगता है कि क्यों ऐसे बोला, मुंह से ऐसे कोई शब्द निकल जाते हैं वो जानते हैं कि निकला हुआ तीर और निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, रिश्तों को तोड़ देते, बिगाड़ देते हैं, व्यवसाय में नुकसान हो जाता है, लोगों की जॉब छूट जाती है, कुछ बोल दिए बॉस से, कुछ बोला अपने जवाब उत्तर में कुछ ऐसे बता दिया कि बस आपको बस नौकरी छोड़नी ही पड़ी। ये सब हो सकता है यदि आपके कुंडली में बृहस्पति ठीक ना हो तो। पारिवारिक जीवन में अशांति दिखाई पड़ती है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग गुड, इन स्पाइट ऑफ डूइंग गुड थिंग्स, अच्छे अच्छे बर्ताव करते हुए भी कई बार घर में अशांति बनी रहती है। पारिवारिक जीवन में सुख का अभाव हो जाता है, ये दर्शाता है, बताता है और इंडिकेट करता है कि आपके चार्ट में हो सकता है कि बृहस्पति का ग्रह जो है वो ठीक नहीं है। बृहस्पति ग्रह ठीक नहीं होने से आप कभी कभी अज्ञानी की तरह बात करते हैं और कभी कभी आप ऐसे वाणी का, शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि उचित नहीं होता है और बाद में बहुत पछताते हैं। सांसारिक सुख में कमी होना, पारिवारिक जीवन में दुख क्लेश रहना, पति पत्नी में असमंजस पैदा हो जाना, रिश्तों में, परिवारजनों में, पड़ोसियों से, दोस्तों से भी सुख का अभाव, मतलब संबंध ऐसे होते हैं कि जिसको हम सुखदायक नहीं कह सकते, ये सभी इंडिकेट करते हैं कि आपके चार्ट में बृहस्पति का ग्रह शायद ठीक नहीं है। ज्योतिष परामर्श के अनुसार यदि आप देखते हैं कि बृहस्पति ग्रह आपके चार्ट में अच्छे नहीं है तो आप कतई जेमस्टोन को खराज का इस्तेमाल ना करें। येलो सफायर स्टोन इज नॉट टू बी यूज्ड इफ योर जुपिटर इज बैड इन योर चार्ट। परिहार करें, परिहार क्या करेंगे, आप बृहस्पति जी की जाप करेंगे, ओम रूम बृहस्पति नमः, देवानां च ऋषीणां च गुरुणां च सन्निभं बुद्धिभूतं लोकेशं तनोमि बृहस्पति, इस प्रकार से जाप कर सकते हैं। ये सब यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं बृहस्पति के जप वगैरह जो होते हैं। दूसरी बात, पंचमुखी रुद्राक्ष के माला लें और आप 108 बार जाप करें। गुरुवार के दिन में पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीले भोजन कर सकते हैं, पीले वस्त्रों का, पीले भोजन का गरीबों में दान करें। दान करने के बाद में दक्षिणा देना ना भूलें। दक्षिणा आपको याद दिलाता है कि आप जो दान जिसको दे रहे हैं वो आपसे बड़ा है। जो दक्षिणा है इट इज ए साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसलिए दान देने के बाद में हम पैर छूके नमन करते हैं। याद रहे कि जो आपसे दान ले रहा है वो आपके ऊपर उपकार कर रहा है, न कि आप उस पर उपकार कर रहे हैं, क्योंकि आपका बृहस्पति ग्रह में इशूज है और बृहस्पति ग्रह को ठीक करने के लिए आप दान दे रहे हैं। मैं क्यों मना करता हूं कि आप पुखराज ना पहने, स्टोन ना पहने, क्योंकि स्टोन जो है वो शक्ति को बढ़ाता है। यदि आपके चार्ट में बृहस्पति ग्रह ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो आप स्टोन पहनेंगे तो क्या होगा, क्या कि जो नेगेटिविटी है बढ़ जाएगी। इसको ऐसे समझें कि आपने सब्जी बनाई है, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है, क्या आप ज्यादा नमक डालना चाहेंगे या थोड़ा पानी मिलाएंगे उसको और पतला करेंगे और या कुछ उपाय करेंगे कम करने के लिए नमक। तो जब कहता हूं कि कोई ग्रह अच्छा नहीं है चार्ट में, तो ये समझे कि वो शक्ति ज्यादा हो गई है। ज्यादा होना भी ठीक नहीं है, कम होना भी ठीक नहीं। यदि कम है, वक्री है, तो आप येलो सफायर पुखराज पहन सकते हैं। यदि आपके चार्ट में बृहस्पति अस्त है, डेबिलिटेटेड है, तो आप यदि स्टोन पहनेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो मर चुका है उसको इंजेक्शन लगाने से क्या फायदा होगा। उसमें आप ले रुद्राक्ष का सहारा, महामृत्युंजय शिव जी का रुद्राक्ष, पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करें, पांच मुखी जप माला लेके जप करें, तभी आपको फायदा होगा। और परिहार जो बताया मैंने उसको फॉलो करें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक,
हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको 5 मुख्य रुद्राक्ष लेना है या यदि आपके चार्ट में अच्छा है बृहस्पति और आप येलो सफेद मुखराज पहनना चाहते हैं, इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को लॉगिन करें www.whitelotusspirituality.com। इससे आप मुझसे संपर्क भी साध सकते हैं, मुझसे परामर्श ले सकते हैं, और रुद्राक्ष या जेमस्टोन आदि लेना चाहते हैं तो आप खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।